पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2022 का खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मुकाबला और देखने में ये लग रहा है कि ये मैच भी ड्रॉ होने जा रहा है। हालांकि पहला दिन है और पहले दिन में हमें इतनी बड़ी बात करना है अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी सिचुएशन को देखा जाए तो सिचुएशन कुछ यूं है कि टीम ऑस्ट्रेलिया इस वक्त क्रीज के ऊपर डटी हुई है 145 के स्कोर पर, दो विकेटें लूज हैं उनकी, मतलब गिरी हुई है 137 पर, ये पार्टनरशिप अब पहुंच चुकी है। पहली विकेट 8 पर गिरी, दूसरी विकेट 8 पर गिरी और उसके बाद पाकिस्तान की टीम को कोई भी विकेट नहीं मिल पाई है। बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप ख्वाजा और स्मिथ के दरमियान इस वक्त लग चुकी है और लग ही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला वो अब थोड़ा दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां अगर बात की जाए आज के इस दिन की, तो दिन की शुरुआत हुई पाकिस्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त, जब डेविड वार्नर को आउट किया शाहीन आफरीदी ने, LBW आउट किया, 7 रन बनाए डेविड वार्नर ने, अंदर आती हुई गेंद के ऊपर LBW आउट हुए। उसके बाद बात की जाए मार्नस लबुशेन की, तो वो आउट हुए 0 के स्कोर पर, 2 रन गेंदों का उन्होंने सामना किया। लेकिन उसके बाद तो विकेट्स जैसे पाकिस्तान की टीम से रूठ ही गई हों, कोई भी विकेट नहीं मिल पाई टीम पाकिस्तान को। अभी तक 69 के स्कोर पर है ख्वाजा और 58 के स्कोर पर है स्टीवन स्मिथ और दोनों ही प्लेयर्स अभी नॉट आउट हैं। वजह क्या है बड़ी इन दोनों प्लेयर्स के सेट होने की? पाकिस्तान ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, इन दोनों ही प्लेयर्स का एक एक कैच जो है वो ड्रॉप किया गया, एक रन आउट का चांस मिस किया, तो पाकिस्तान के साथ अब ये हालात इसलिए ही हो रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग को देखा जाए और अपकमिंग बैटर्स को देखा जाए तो ट्रेविस हेड को, एलेक्स कैरी को, कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लॉयन और मिस स्वैप्सन को जो है वो दोस्तों अभी बैटिंग करने के लिए आना है। पाकिस्तान की तरफ से 2 विकेटें अभी तक शाहीन आफरीदी ने अपने नाम की हुई हैं, इसके अलावा कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले सका। हसन ने 10 ओवर्स के अंदर 17, जबकि नसीम ने अच्छी बॉलिंग करवाते हुए 11 ओवर्स के अंदर 14 रन दिए, 7 मिड ओवर नसीम ने, 4 ओवर्स हसन ने करवाए हुए हैं। फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करवाई हुई लेकिन विकेट नहीं मिल पाई उनको, जबकि स्पिन बॉलर्स थोड़े महंगे साबित हुए। नुमान ने 10 ओवर्स के अंदर 43 रन देते हुए कोई विकेट नहीं ली, जबकि साजिद ने 14 ओवर्स के अंदर 39 रन देते हुए कोई भी विकेट को अपने नाम नहीं किया हुआ। तो दोस्तों ये हालात हैं अभी इस मैच के। क्या लगता है आपको कि तीसरे सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? ये देना है आपने बता कर देना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। जहां पर अब तीसरे सेशन की शुरुआत अब से कुछ ही देर के बाद हो जाएगी, हमारे साथ ही बने रहिएगा।